तुम्हारा नाम ले से मुझे सब जान जाते सात समंदर निचोड़ दिए जाए, एक दो तीन चार पांच छह सात, सात समंदर निचोड़ दिए जाए ना तो सरकारे दो आलम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम की मीम नहीं लिख सकते, क्योंकि अल्लाह ही जानता है मोहम्मद का मर्तबा है ना। लेकिन चार मिसलें दे रहा हूं, जरा सुनो। अल्लाह ईश्वर, अल्लाह ईश्वर उसी की दुआएं कबूल करता है, ये बात सच है कांटों को भूल करता है, ये बात सच है के कांटों मदीने में। इससे आगाज कर रहा हूँ, इसके बाद एक नाच शरीफ दूंगा जो 2019 में मेरा काफी सुपर डुपर हिट आइटम हुआ है। खुदा उसी की दुआएं कबूल करता है, ये बात सच है कांटों को भूल करता है, ये बात सच है के कांटों को भूल करता है। ये शेर दे रहा हूँ, ये बताओ मदीना कौन कौन जाना जाता है, मांग लो। आज की रात बड़ी अहम बात है, बड़ा बरकती महीना है, मेरे लिए भी दुआ दीजिएगा। और क्या लोगे सनद पैगंबर के नाम पर, खत्म करवा ली नबूवत तुमने अपने नाम पर, अरे
ऊपर नुकताना उनके नाम पर अजीत बाबू की झूठी उल्फत से अजीत बाबू की झूठी उल्फत से अरे तंगी आए तो नफरत बाबू की झूठी उल्फत से तंग आए तो नफरत कर बैठे साथी है जमाना मतलब का ये दिल को नसीहत कर बैठे बरसगी जज्बात वही और तर्क मुरव्वत कर बैठे अरे दुनिया के ताल्लुक जितने थे हम सबसे अदालत कर बैठे सरकार मदीने मजबूर को सीधे से लगा क्यों नहीं लेते यार मजबूर को सीधे से लगा क्यों नहीं लेते अरे मजबूर को सीधे से लगा क्यों नहीं लेते सरकार मदीने में बुला क्यों नहीं लेते हम तुमसे हम जाए मदीना ये तो बात नहीं है कर का आप बुला ले तो
बड़ी बात नहीं है हम तुमसे जिनके दिल में जिसको मिलकर पूजे हिंदू, जिसको मिलकर पूजे हिंदू मुस्लिम सारी कौम, जिसको मिलकर पूजे हिंदू मुस्लिम सारी कौम, अरे सीधा करो तो अल्लाह बने और ठेढ़ा करो तो ओ हम तुमसे और इस पे भी बैठे हैं जिनके दिल में शहे कोने की चाहत होगी वो गुनागार भी होगी तो शफावत होगी, देख लेना सारे हश्र खुदा वालों को, अरे कमली वाले का करम होगा तो इनायत होगी। या नबी आपके जो चाहने वाले होंगे वो न देखी कि करबंदी ना तो कयामत होगी हम तुमसे क्योंकि रात के 12 बज चुके हैं और मंत्री साहब भी बैठे हुए हैं। मैं ये सोचूंगा कि इन टाइम के अंदर मुझे ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को पहुंचा सकूं। ठीक है, सुनो सुनो। था माविया के बाद खिलाफत का एक सवाल, बोले हुसैन लेगा खिलाफत है क्या मजाल, बोला यजीद मेरा हक मुझको मिलेगा, बोले हुसैन ऐसा हुआ तो खूख बहेगा, बोला यजीद बनता है कौन ताजदार, बोले हुसैन बकता है तू नावकार, यानी सर जाएगा घर जाएगा पर ये नहीं होगा कुर्बान अपनी आल पर होगा हर बच्चा। आखिर हुआ ही जंग के सामान हो गए, उम्मत के बख्शवाने को कुर्बान हो गए, किशान से निजान के दो आलम भी काब उठे, अरे पप्पे नमाज जोर था अरे सजदे में जब गए फिर उठना सा सासर सजदे से कुछ ऐसी इबादत कर रहे हैं।
बहुत कठिन देने जा रहा हूँ और हर दौर में रहेगा इसके बाद इंशाल्लाह, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला नेताओं को सब चीज देता है लेकिन एक चीज नहीं देता, टाइम नहीं देता। ये हमारी खुश नसीबी है कि आप जैसी हस्ती हमारे मंच पर बैठी है, यह हमारे बहुत फख्र की बात है। वरिष्ठ पत्रकार विजय जैन कल्लू साहब, सुनील सैनी साहब मंच पे आने का कष्ट करें।